Hello students, welcome to our life science class. आज का हमारा लेसन है respiration, अमल तनफ्फुस. Students, हम लोग जानते हैं कि इस जमीन पर जितने भी जानदार बसते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हो, सबों को जो है जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है. रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है कि यह अमल अगर वाकई ना हो तो पौधे, दरख्त, जानवर, इंसान सभी मर जाएंगे. इसके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है. इसलिए इस जमीन पर जितने भी जानदार हैं, सभी जानदार रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते भी हैं. ठीक है, तो यही सब लोग शुरुआत करते हैं. तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, अमल तनफ्फुस क्या है. अमल तनफ्फुस रेस्पिरेशन ये एक केमिकल प्रोसेस है, कीमियाई अमल है. इसमें क्या होता है कि हम जो गिजा खाते हैं यानी ग्लूकोज, ठीक है, जिसको यहां पर दिखलाया गया है C6H12O6 से, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ठीक है, हम लोग जो भी गजा खाते हैं वो गजा क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. कार्बोहाइड्रेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, इसी के अंदर सारा एनर्जी क्या है, स्टोर है. इस गजा से हमको एनर्जी को रिलीज करना है, ठीक है, ताकि उस एनर्जी के मदद से हम सारा काम अंजाम देने पाए. तो इस गिजा से एनर्जी कैसे रिलीज होता है, इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस काम करता है. हम जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं वही ऑक्सीजन गैस इस ग्लूकोज के ऊपर अपना एक्शन करता है, जिसके वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है, साथ ही पानी भी निकलता है और बहुत बड़ी तादाद में जो है एनर्जी खारिज होती है. ठीक है, अब ये प्रोसेस होता कहां है, हम लोग पढ़ चुके हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, हर सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है. हम लोग पढ़ चुके हैं इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है रेस्पिरेशन का अमल होता है. अब वो होता कैसे है कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में ऑक्सीजन गैस हमारे जिस्म के अंदर फेफड़ों में दाखिल होती है. ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस ब्लड में शामिल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजिनेटेड ब्लड, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड. अब ये ब्लड जो है सेल में पहुंचता है, जिसमें जहां जहां भी सेल है उस सेल में ये जो है ब्लड पहुंच जाता है. पहुंचने के बाद वहां माइटोकॉन्ड्रिया है, वहां पर ग्लूकोज है. अब उस ग्लूकोज के ऊपर जो है वो ऑक्सीजन गैस अपना एक केमिकल जो है एक्शन शुरू कर देता है, जिसके बायस ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, पानी बनता है और बहुत सारे एनर्जी जो है लातादाद क्वांटिटी में एनर्जी जो है पैदा होता है. इसी एनर्जी के बदौलत जो है हम अपना दिन भर का काम कर पाते हैं. तो रेस्पिरेशन क्या हुआ, रेस्पिरेशन एक कीमियाई अमल है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के मदद से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होता है और एनर्जी खारिज होती है. इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन या अमल तनफ्फुस. तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया ये क्या है. ये एक कीमियाई अमल है जिसमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के मदद से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाती है, पानी बनता है और बेशुमार जो है एनर्जी जो है पैदा होती है. ये है आपका
रेस्पिरेशन। दो नंबर में केमिकल इक्वेशन हम लिख दिए हैं, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड एनर्जी। ये एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपी में स्टोर रहता है। अब इसके बाद एक तीसरा सवाल, व्हाट इज ब्रीदिंग, या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। देखिए, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस अंदर चला गया, फिर सांस छोड़ते हैं, ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गया, तो ये ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन गैस अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आया, इस अमल को हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है, ये अमल एक ब्रीदिंग अमल है। और रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन वो अमल है जिसमें गैसा का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के मदद से। ब्रीदिंग क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना, ये जो अमल है इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चार नंबर में देखिए सवाल है, व्हाट आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, व्हाट आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब जो है हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के अमल के लिए कुछ ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, उस ऑर्गन्स के बिना रेस्पिरेशन होगा नहीं, तो वो एजा जिसके जरिया से रेस्पिरेशन का अमल वाकई होता है उसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, अगर हमारे जिस्म के अंदर अगर लंग्स ना हो तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बंद हो जाएगा। मछलियों में गिल्स होता है, ठीक है, गर्लफ्रेंड जो कहते हैं, मछलियों में अगर गिल्स ना हो तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा। तो ये लंग्स, गिल्स, ये क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से ही रेस्पिरेशन का अमल होता है, वरना ये अमल नहीं होने पाएगा। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है मसलन फेफड़ा, गिल्स, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए किताब में लिखा हुआ है, आप पेज नंबर 104 ओपन कीजिए, वहां पर हेडिंग बना हुआ है तनफुसी एजा की खसूसियात। एक नंबर में दिया हुआ है कि इसका बैरूनी सतह हमेशा मॉइस्ट और एक्सटेंसिव होता है। आप अगर खसी या बकरी का फेफड़ा को कभी अगर हाथ में लेकर छू कर देखे होंगे तो देखे होंगे कि कितना मॉइस्ट रहता है, डैम्प रहता है, मतलब भींगा भींगा रहता है। और दूसरी बात बड़े साइज का होता है, ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है ये मॉइस्ट होता है और बहुत ही वसी होता है, एक्सटेंसिव, मतलब बहुत फैला हुआ होता है, ये छोटे साइज का नहीं, इसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये हुआ कि ये मॉइस्ट होता है और एक्सटेंसिव होता है, लार्ज इन साइज, इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। दो नंबर देखिए पॉइंट, तनफुसी एजा के बैरूनी सतह पर खून की बारीक नलियां जिसे कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज हम लोग जब पढ़ेंगे ब्लड चैप्टर में तो आर्टरी पढ़ेंगे, वेन्स पढ़ेंगे, कैपिलरीज पढ़ेंगे। कैपिलरीज होता है पतली पतली सूता की तरह, या हमारा ये सर का जो बाल है, कैपिलरीज का जाल जो है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, यानी जैसे मसल फेफड़ा में क्या होता है, फैला होता है, एकदम एक नेटवर्क बना होता है, ठीक है, जिसके जरिए से खून जो है, खून का उसमें सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होता है, और फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी फेफड़ों के अंदर भी क्या होता है, सप्लाई होता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी साइट्स इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में किन किन जगहों से रेस्पिरेशन का अमल होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का अमल होता है स्टोमेटा लेंटिसेल्स, ये हम पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ट्रांसपिरेशन के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि स्टोमेटा क्या होता है, लेंटिसेल्स क्या, ये कुछ नहीं, ये सुराख है,
नन्हे नन्हे सुराख होते हैं जिसके जरिए से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसको हम बता चुके हैं स्टोमेटा और लेप्टिस सेल्स को। यहां पर जो बदलाने की चीज है वो है न्यू मैक्रोफोर्स। न्यू मैक्रोफोर्स क्या है? देखिए, जो डेल्टाई इलाका है, जैसे वेस्ट बंगाल में हमारा जो सुंदरबन का इलाका है, ये एक डेल्टाई रीजन है। डेल्टाई रीजन से मतलब यहां का जो मिट्टी जो होता है बहुत दलदली होता है और बहुत उसमें नमी रहता है, सॉल्टी होता है। ठीक है, दलदली मिट्टी होने की वजह से क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन का क्वांटिटी बहुत कम पाया जाता है। ऑक्सीजन का क्वांटिटी बहुत कम पाया जाता है, तो क्या होता है, जो दरख्त होते हैं, दरख्त का जो मेन जो रूट है उसके गिर्द पेश में चारों तरफ खूंटी की तरह जो है ना कुछ जो है जड़ें निकल आती है। जैसे जानवर को बांधने के लिए हम लोग जमीन पर खूंटी गाड़ देते हैं, उसी तरह से ये दलदली इलाकों में जो दरख्त पाए जाते हैं, ठीक है, उस दरख्त के चारों तरफ जो है खूंटी नुमा जो है कुछ जड़ें निकल जाती है और जड़ों के ऊपरी हिस्से में सुराख होता है और उसी सुराख के जरिए से क्या होता है, वो ऑक्सीजन गैस को जब्त करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज करता है। इस तरह के जड़ों को हम लोग बोलते हैं न्यू मैक्रोफोर्स और ये डेल्टाइक रीजन में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ जानवरों में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं या कौन सा जानवर इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन से अपना रेस्पिरेशन यानी तनफ्फुस का अमल जो है अंजाम देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नंबर में अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, पैरामीशियम, ये जो है जानवर है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है बॉडी सरफेस, मतलब जिस्म का ऊपरी सतह, इसके जरिए से ये जो है रेस्पिरेटरी ये रेस्पिरेशन का अमल अंजाम देते हैं। इसमें डिफ्यूजन के जरिए जो है वो रेस्पिरेशन का अमल अंजाम होता है। उसके बाद देखिए दो नंबर में आर्थ वॉर्म और लीच, माने केचुआ और जों, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्केल, गिल, चमड़ा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लंग्स नहीं होते हैं। उसके बाद तीन नंबर में कॉकरोच यानी तिलचट्टा, इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या नाम है, ट्रैकिया। उसके बाद फिशेस मछलियां, जितने भी मछलियां हैं सब जो है गिल्स के जरिए जो है सांस लेती है। अच्छा, कुछ मछलियां ऐसे होती है जैसे मांगूर, सिंगी, इसको आप देखेंगे बाजार में जब मांगूर या सिंगी मछली खरीदने जाते हैं तो देखे होंगे कि ये पानी के बाहर जो है बहुत देर तक जो है जिंदा रहने पाती है। इससे क्या वजह है कि ऐसे मछलियों के अंदर में कुछ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मतलब गिल्स के अलावा। आमतौर पर मछलियों में गिल्स ही जो है वो रेस्पिरेशन का जो है ऑर्गन होता है, लेकिन सिंगी और मांगूर की जो मछलियां हैं ये पानी के बाहर ही बहुत ज्यादा जिंदा इसलिए रह पाती हैं कि इसके अंदर में कुछ एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल। आज जितने भी वर्टिब्रेट्स है यानी स्पाइनल कॉर्ड वाले एनिमल्स, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स हुआ या मैमल्स, मैमल्स दूध पिलाने वाले जितने जानवर है, वर्टिब्रेट्स जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है, तो जितने भी वो तमाम जानवर इन बशमूल इंसान के जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन तमाम जानवरों का जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो लंग्स होता है। तो आप लोग जो है मुख्तलिफ जानवर के कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इसको आप याद रखेंगे। ठीक है,